सो गाइज अगर बात करें Realme 8 सीरीज को लेकर तो ऑलरेडी हमने तीन डिवाइस देख रखे हैं, Realme 8, Realme 8 Pro और Realme 8 5G स्मार्टफोन। लेकिन भाई आपको पता ही है कि Realme अपनी एक सीरीज के अंदर कम से कम 4 से 6 स्मार्टफोन तो लॉन्च कर ही देता है। और भाई ठीक इसी तरीके से Realme 8 सीरीज के दो और नए स्मार्टफोन आपको बहुत ही जल्द यानी सितंबर मंथ के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो कि ऑफिशियल कन्फर्म हो चुके हैं, Realme 8S और Realme 8i स्मार्टफोन, जिसको लेकर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। लेकिन Realme 8i को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आ चुकी है अलोंग विद प्राइस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Realme 8i स्मार्टफोन के बारे में, फुल स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और स्मार्टफोन का लुक भी सामने निकल कर आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कैसा ऑप्शन होगा स्मार्टफोन, और गाइस ओवरऑल जो कुछ स्पेक्स है उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा ये स्मार्टफोन का वेट करना तो बनता है। हे गाइस, मैं हूं सियोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर सियोम यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे Realme 8i के डिजाइन को लेकर, फर्स्ट लुक को लेकर। तो इस फोन का बैक साइड लुक देख सकते हो, कंफर्म कह सकता हूं कि भाई अपने फैमिली मेंबर्स से मिलता जुलता है। जी हां गाइस, Realme 8 सीरीज जैसा ही है, Realme 8 और 8 Pro जो स्मार्टफोन है उनसे काफी सिमिलर ये स्मार्टफोन का बैक साइड पैनल देखने को मिलता है। ये प्लास्टिक बैक के साथ में ही आने वाला है, जहां पर जो कैमरा लेआउट है, कटआउट है, वो बिल्कुल सिमिलर होगा Realme 8 जैसा आप देख सकते हो। बाकी गाइस अगर बात करें बिल्ड को लेकर, तो यहां पर आपको प्लास्टिक बैक ही मिलने वाली है, साइड में भी प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलेगा। अगर बात करें तो फोन में नीचे 3.5mm का ऑडियो हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। फोन के राइट साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, डेटनेस के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं रहने वाला है। बात करें अगर फोन के ओवरऑल डिस्प्ले के साइड की, तो यहां पर भी आपको एक अच्छी डिस्प्ले में बोल सकता हूं इस प्राइस के ऊपर, क्योंकि यहां पर आपको 6.59 इंच की एक बड़ी साइज स्क्रीन देखने को मिलती है। यहां पर जो स्क्रीन रहने वाली है फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आने वाली है, एक IPS पैनल रहने वाली है, लेकिन हां 120Hz हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट करती है डिस्प्ले, तो ओवरऑल काफी स्मूथ डिस्प्ले रहने वाली है। लेकिन मैं बोलूंगा 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में हमें एक एमोलेड पैनल चाहिए, हमें हाई रिफ्रेश रेट के साथ में IPS पैनल नहीं चाहिए, ये चीज कंपनियों को समझना चाहिए। लेकिन ओवरऑल यहां पर अगर बात करें डिस्प्ले में, तो पंच होल कटआउट देखने को मिलता है, लुक वाइज अच्छे हो जाते हैं। तो अगर डिस्प्ले और डिजाइन की बात करें, तो इस प्राइस के ऊपर मैं बोलूंगा अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बात करें परफॉर्मेंस को लेकर, तो इस फोन के साथ में अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, बिकॉज इस फोन के अंदर आपको मीडियाटेक हीलियो G96 वाला चिपसेट दिया गया है, जो कि कमाल का चिपसेट है और इंडिया का पहला स्मार्टफोन होगा जहां पर आपको ये चिपसेट देखने को मिलेगा। और भाई रियलमी ऐसा करता रहता है, इंडिया फर्स्ट 5G स्मार्टफोन, इंडिया फर्स्ट ये वो, मतलब हर एक चीज पहले लाने की कोशिश करता है, जो कि एक बहुत ही कमाल की बात है। तो यहां पर आपको सबसे पहले मीडियाटेक हीलियो G96 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। बात करें परफॉर्मेंस को लेकर, तो ये कमाल का चिपसेट है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो बहुत आराम से कर पाओगे, नॉर्मल टास्क के लिए भी स्मार्टफोन कमाल का हो जाएगा। LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगी, ये भी कंफर्म हो चुका है। तो रीड एंड राइट स्पीड भी कमाल की रहेगी, और भाई मीडियाटेक हीलियो G96 के साथ में 120Hz हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट, कमाल की बात हो जाती है, आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस और डिस्प्ले को लेकर। लेकिन अगर बात करें कैमरा को लेकर, तो इस प्राइस के ऊपर जो कैमरा में गिमिक्स देखने को मिल रहा है ना भाई, बहुत ही कमाल का है। बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा लेंस देखने को मिलता है, जो प्राइमरी लेंस है वह है 50 मेगापिक्सल वाला सेंसर, सेकंड में आपको 2 मेगापिक्सल और लास्ट में 2 मेगापिक्सल वाले सेंसर देखने को मिलते हैं। ये वही मैक्रो और डेप्थ सेंसिंग लेंस है, जो कि आपको 50-50 रुपए में मिलते हैं। तो भाई इनको आप क्यों दे रहे हो मुझे समझ में नहीं आता, आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस देना चाहिए, चाहे आप 8 मेगापिक्सल का दो या 13 मेगापिक्सल का, एक अल्ट्रा वाइड लेंस दो। यहां पर 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और फालतू के डेप्थ सेंसिंग लेंस देखने को मिलते हैं। सेल्फी शूटर की बात करें, तो भाई फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस अगर बात करें बैटरी को लेकर, तो आपको एक लंबी बैटरी देखने को मिलती है 5000mAh यानी 5000mAh की। लेकिन गाइस अगर फास्ट चार्जिंग की बात करें, तो अभी तो वो सामने नहीं आया, लेकिन कह सकते हो कि आपको 18W से लेकर 30W तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इस प्राइस के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है। जहां पर आपको इस फोन के साथ में 3.5mm का ऑडियो यानी हेडफोन जैक, टाइप सी का सपोर्ट और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में बाकी सारे ही सेंसर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गाइस अगर बात करें, तो इस फोन में कोई भी स्टूडियो स्पीकर सपोर्ट नहीं होगा, आपको इस फोन में सिंगल डाउन फायरिंग स्पीकर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कुछ यही स्पेक्स रहने वाले हैं। जहां पर अगर प्राइसिंग की बात करें और इंडिया लॉन्च की बात करें, तो एक लीक के अकॉर्डिंग ये जो स्मार्टफोन है इंडिया के अंदर आपको 11 सितंबर को देखने को मिल सकता है Realme 8S स्मार्टफोन के साथ में ही। और इस फोन की प्राइसिंग की बात करें, तो ये जो स्मार्टफोन होगा ना वो 13 से 14 हज़ार के करीब देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर, एक वेरिएंट के साथ में, जो कि होगा 4GB रैम, 128GB स्टोरेज ऑप्शन। सो गाइस ओवरऑल ये जो स्मार्टफोन है वो 13,000 प्राइस के ऊपर स्टार्ट हो जाता है ना, तो मीडियाटेक हीलियो G96 जैसा चिपसेट, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी लेंस, एक लंबी बैटरी, मैं बोलूंगा एक कमाल की डिस्प्ले, बहुत ही कमाल का फोन हो जाएगा। अगर आप भी वेट कर रहे हो 10 से लेकर 15 हज़ार के करीब एक स्मार्टफोन बाय करने की, आप इस फोन का वेट कर सकते हो। बस यार आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक
कर देना। लेकिन गाइस सब कुछ डिपेंड करता है इस फोन की प्राइसिंग को लेकर ही, तो थोड़ा सा वेट आप कर लो। बाकी अगर आपको चैनल पे कुछ भी अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए और कमाल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए।